बिहार के बाद मिशन बंगाल के लिए तैयार, बीजेपी ने कहा। बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या बनेगी मुद्दा, भारतीय जनता पार्टी ने कहा। प्रधानमंत्री मोदी ने कल के भाषण में किया था इशारा, 2021 में बंगाल की अत्याचारी सरकार को हराएंगे, भारतीय जनता पार्टी ने कहा। और आपको याद होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 के इलेक्शन के बाद जब शपथ ली थी तो वेस्ट बंगाल में चुनावी हिंसा में प्रभावित परिवारों को शपथ ग्रहण के समय बुलाया था। यह मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है, और इसको लेकर बीजेपी चुनावों में जाने वाली है। अब मैं जरा इसको भी समझ लूं, जो सवाल जिसका जवाब मैं चाह रहा हूं, अर्जुन साहब, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि अधिकांश लोग आज की तारीख में होने अगर चुनाव होते हैं तो मोदी को अपनी पसंद बताते हैं, लेकिन सीएम के तौर पर ममता बनर्जी का चेहरा उनके दिमाग में टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल क्यों है? देखिए, जो एक जिस तरह के सर्वे होते हैं बहुत सारे, आपको पता नहीं है, बंगाल में लोग डर से भय से कोई ममता बनर्जी के खिलाफ अगर बोल देता है, एक किसी फेसबुक या आपको कहीं पोस्ट कर दिया, तो उसको रातों रात अरेस्ट करके बंद कर दिया जाता है। यहाँ तक कि पत्रकारों को महीनों महीनों जेल खटना पड़ता है बीवी बच्चे के साथ। तो जो आपका सर्वे आया है ये डर का सर्वे है जो आपने बिहार में देखा। चलिए, तो सीधे सीधे ममता बनर्जी के बारे में जब सवाल किया जाता है तो डर की वजह से वो कह देते हैं ममता बनर्जी। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है, ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।